चाहूंगा कि यहाँ पर लगभग बहुत सारे कस्टमर्स यहाँ पर हैं और मेरे साथ शॉप ओनर कमलेश जी हैं और वो अपने रेस्टोरेंट के बारे में दिखा। Video showing top 10 street food in Connaught Place for 50 rupees. दोस्तों, मैं आपका राहुल चौधरी और मेरे साथ कैमरामैन शिव कुमार के साथ अभी हम आपको जो सुविधाएं दिखाने आए हैं वो एक रेस्टोरेंट की सुविधा दिखाने आए हैं और वहाँ के कैसे प्रोडक्ट हैं ये आपको क्वालिटी दिखाने आए हैं। दूसरी चीज, हम लंच की बात करें या फिर हम डिनर की बात करें तो ऐसे रेस्टोरेंट की वहाँ पर हम खोज करते हैं जहाँ पर हर चीज़, हर प्रोडक्ट हमारी मन मुताबिक हो। तो मैं आपको ऐसे ही एक रेस्टोरेंट में ले जाने आया हूँ। उससे पहले मैं बता दूँ कि अभी हम जो जाएंगे वो नोएडा 66 में जाएंगे, जो ममूरा के पास है, और जिस रेस्टोरेंट में जाने वाले हैं वो श्री बाक्य बिहारी स्वीट एंड रेस्टोरेंट है। तो आइए देखते हैं वहाँ की हम सर्विस कैसी है। रेस्टोरेंट जो आपका ममूरा सेक्टर छाछट नोएडा में पड़ता है और अभी हम दिखाते हैं आपको यहाँ की सर्विस क्वालिटी और यहाँ के जो प्रोडक्ट हैं वो आपके किस लेवल के हैं और किस स्टैंडर्ड के हैं। तो आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ और उनके यहाँ के रेस्टोरेंट के जो शॉप ओनर हैं उनसे आपको मिलवाता हूँ कि उनका किस तरीके का व्यवहार है और वो आपके हॉलीडे टाइम में आपके लिए क्या बेनिफिट्स दे सकते हैं। आइए मेरे साथ। जैसा कि अभी हम यहाँ पर रेस्टोरेंट में आ चुके हैं और मेरे साथ यहाँ के रेस्टोरेंट ओनर है, नाम क्या है सर आपका? कमलेश जी, यहाँ पर अगर हम बात करें लगभग आपको कितने वर्किंग टाइम हो चुका है? लगभग सर को 2 इयर्स हो चुके हैं। अगर हम बात करें ममूरा की तो मैं यहाँ गाजियाबाद का लोकल पर्सन हूँ और यहाँ की अगर हम बात करें आज से लगभग 10 साल पहले उतनी शायद तरक्की नहीं थी, मगर आज की डेट में नोएडा काफ़ी ज़्यादा डेवलप एरिया है और ममूरा काफ़ी फेमस एरिया है। और यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग आते हैं वो ज़्यादातर बात कर सकते हैं कि यहाँ रोजगार के लिए नोएडा में वर्क करने के लिए आते हैं। यहाँ गर्ल्स एंड बॉयज़ और बहुत सारे यंग पर्सन जो जॉब करने के लिए आते हैं वो काफ़ी दूर दूर से होते हैं, तो यहाँ के लिए उन लोगों के लिए ये वर्क कर रहे हैं। तो सर, मुझे अपने रेस्टोरेंट के बारे में बताएंगे आराम से? तो आइए सर, पहले आपको रेस्टोरेंट के बारे में जानता हूँ और मैं हर वीडियो व्यूअर से यही कहूँगा कि आप मेरे साथ बने रहिए और देखिए यहाँ की। हम रेस्टोरेंट में आ चुके हैं और मैं वीडियो व्यूअर से यही चीज़ दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर लगभग बहुत सारे कस्टमर्स यहाँ पर हैं और मेरे साथ शॉप ओनर कमलेश जी हैं और वो अपने रेस्टोरेंट के बारे में दिखाएंगे और हमको बताएंगे कि वो यहाँ पर कितने टाइम से सर्विस दे रहे हैं और प्लस यहाँ के जो कस्टमर क्वालिटी है वो किस लेवल की और उनकी क्या खास डिमांड है। तो सर मेरे साथ आ चुके हैं और हम आराम से बैठकर बात करेंगे। जैसे कि सर आप बैठिए, हम यहाँ रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं तो अगर हम बात करें यहाँ पर लगभग जो कस्टमर आने वाले हैं वो यंग एज के होते हैं या फिर एनीवन कोई भी फैमिली वगैरह सभी फैमिली होती है और यंग भी होते हैं। जैसा कि सर ने बताया कि फैमिलीज होती हैं, तो सर जैसा कि अगर हम बात करें काफ़ी बिजी लाइफ हो चुकी है, अगर हम फैमिली की बात करें आज की डेट में, अगर हम बात करें हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को ही वर्किंग करना पड़ता है, तो ज़्यादातर आपका जो वर्किंग टाइम होता होगा वो संडे को ज़्यादा होता होगा, है ना सर? संडे को भी होता है बट और दिन ज़्यादा होता है। लोग आते हैं वो लंच वगैरह करने आ जाते होंगे यहाँ पर, और अगर हम बात करें लंच में उनकी क्या खास डिमांड होती है ज़्यादातर? लंच में तो खाना ही खाते हैं, खाना खाते हैं। तो नौ आपका वेजिटेरियन खाना जो है वो काफ़ी क्वालिटीज में और काफ़ी अच्छे लेवल पर बनाया जाता होगा, आई एम राइट?
बिल्कुल बैक होना, बिल्कुल सीधा सा गाड़ी होता है, इसमें कुछ मिलावट नहीं होता, बिल्कुल फ्रेश मान लेते हैं, इससे ज़्यादा काम खाते हैं। जैसा कि सर ने बताया कि बिल्कुल वेजिटेरियन खाना होता है, आप यहाँ पर आ सकते हैं कभी भी लंच के लिए, हॉलीडे के लिए। और खासकर अगर हम बात करें कुछ पर्संस की, जैसे कि ममूरा में सेक्टर 66 या 65 में अगर हम बात करें, कुछ लोग यहाँ पर वर्किंग करते हैं और उन्हें ही नहीं पता होता कि कहाँ पर कौन सा अच्छा शुद्ध शाकाहारी और अच्छे फ्रेश भोजन यहाँ पर मिलता है, तो ये लोगों को पता नहीं होता। तो मैं यही कहना चाहूँगा जो भी पर्सन, खासकर अगर कोई अपने वर्किंग टाइम्स के अलावा अगर कभी हॉलीडे पे अपना लंच वगैरह करना आए या फिर डिनर वगैरह करना है, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। अगर हम बात करें डिनर में क्या खास क्वालिटीज रखते हैं और क्या क्या खास प्रोडक्ट रहता है आपके पास डिनर? डिनर में हमारे पास सारी सब्जियाँ होती है, नूडल्स होते हैं, शाही पनीर भी होती है, मिक्स वेज होती है, मौसमी सब्जी होती है, बहुत तरह की सब्जियाँ होती है, इसके साथ फास्ट फूड भी सारा होता है। जैसा कि सर ने बताया फास्ट फूड आज की डेट में अगर हम बात करें पिछले 10 साल से लगभग काफ़ी डिमांडिंग रहा है। फास्ट फूड में काफ़ी अलग अलग क्वालिटीज रहती हैं, अलग अलग ऑप्शंस भी रहते हैं। तो फास्ट फूड में आकर आप यहाँ पर लंच वगैरह अगर करना चाहें तो वो यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। तो सर अगर हम बात करें कि अगर एनी अदर कोई पर्सन जो बाहर से आते हैं तो उनके लिए आपका स्टाफ मेंबर सबसे पहले उनके वेलकम के लिए क्या करते हैं? जैसा कि सर ने बताया सबसे पहले यहाँ कस्टमर के लिए सबसे पहले ऑर्डर मायने नहीं रखते, ये सबसे पहले यहाँ पर उनका वेलकम करते हैं, उन्हें सबसे पहले पानी सर्व किया जाता है, आराम से वो बैठते हैं, फिर ऑर्डर अपने हिसाब से डिमांड करते हैं कस्टमर और फिर उसके बाद उनका ऑर्डर किया जाता है। तो सर मुझे काफ़ी अच्छा लगा आपके यहाँ का इसका देखने में, आपका रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा लगा। मैं भी आपको अपनी फैमिली के साथ जरूर आऊँगा, अपने जो भी मेरे रिलेटिव रहेंगे, दोस्त रहेंगे। स्टाफ मेंबर की अगर हम बात करें, मैं स्टाफ मेंबर के पास आया हुआ हूँ और उनकी खास क्वालिटी जानता हूँ। सर नाम क्या आपका? नवल किशोर। तो सर यहाँ की अगर हम बात करें, यहाँ के शॉप ओनर का व्यवहार कैसा है? सर बहुत अच्छा व्यवहार है जैसा कि यहाँ बता रहे हैं सर। और अगर हम बात करें यहाँ पर कस्टमर काफ़ी अच्छे आते होंगे और कस्टमर कोई ऐसा तो नहीं परेशान करता हो? नहीं, कोई परेशानी यहाँ जैसा बताया कि सर ने काफ़ी अच्छे कस्टमर्स भी आते हैं, साथ कुछ कस्टमर्स भी मौजूद हैं, मैं उनके व्यूज़ लेता हूँ और उनसे जानता हूँ कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो कितनी क्वालिटी का है। सर नाम क्या आपका? मनीष कुमार जी यहाँ पर अभी आप जैसे कि यहाँ पर नूडल्स खा रहे हैं, तो यहाँ के जो हम फास्ट फूड की बात करें वो किस क्वालिटी की और कैसे आपको लगता है यहाँ पर? यहाँ का नूडल्स बहुत मस्त चल रहा था, डिनर उनर बहुत मस्त डेली खाने वाला हूँ, मैं यूज करता हूँ नाश्ते करने के लिए या डिनर करने के लिए, मुझे खाता हूँ। यहाँ जो भी क्वालिटी मिलती है बहुत मस्त क्वालिटी मिलती है, खाने में भी स्वस्थ और सही रहता है। जैसा कि सर ने बताया कि यहाँ के ये रेगुलर कस्टमर हैं और यहाँ की जो क्वालिटी है लंच की डिनर की अगर हम फास्ट फूड की बात करें वो काफ़ी स्टैंडर्ड और काफ़ी हाई फुल है, वो यहाँ पर इन्हें काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर। तो सर कभी आपको शिकायत का मौका मिला? नहीं कभी एकदम खाने में चाहे पूरा चुका चाहे जो भी प्लेट फूड सब बहुत मस्त सब कुछ क्वालिटी के मिलती है। जैसा कि सर ने बताया कभी इन्हें शिकायत का मौका नहीं मिला, तो मैं अपनी बात जैसे कि कस्टमर्स ने बताया और मैं अपनी बात यही ख़त्म करता हूँ। मैं ये RD1 के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी इनके वीडियो व्यूअर्स हैं और जिस पर्सन के पास ये वीडियो जाता है, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप सेक्टर 66 कभी ममूरा के पास आते हैं तो वाकई बिहारी रेस्टोरेंट जो है और ये पावर हाउस के बिल्कुल करीब में पड़ता है, आप आसानी से आ सकते हैं, गूगल मैप पर इनकी लोकेशन देख सकते हैं, आप ज़रूर इनसे आकर मिलिए। और कभी भी अपनी फैमिली के साथ या फिर किसी भी अपने एनी अदर दोस्त के साथ या किसी भी पर्सन के साथ आना चाहते हैं, यहाँ का जो प्रोडक्ट है और यहाँ की जो सर्विस है वो बहुत हाई क्वालिटी की है, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। यहाँ के फास्ट फूड लंच डिनर बहुत अच्छे हैं, आप आ सकते हैं, लंच कर सकते हैं, कभी भी अपने साथ यहाँ पर टाइम स्पेंड करते हैं। तो यही कहना चाहूँगा एक बार ज़रूर आइए और आपको आकर अच्छा लगेगा। धन्यवाद।